पापा बुलाया आपने? हाँ बेटा आओ बैठो, मैंने तुमसे कुछ बात करनी थी। जी पापा। देखो बेटा, अगर मैं अब्दुल्ला से कुछ कह सकती हूँ तो तुमसे भी कह सकती हूँ, है ना? बिल्कुल कह सकते हैं, कैसी बात हुई? मैं ना उन रिवायती सासों में नहीं हूँ जो समझती कि पूरा दिन घर पे बैठ के ना तुमने मेरी खिदमत करनी है। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम और अब्दुल्ला एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की कदर करें। अगर वो सुबह तैयार हो रहा है दफ्तर के लिए तो उसके साथ रहो, अगर नाश्ता कर रहा है तो नाश्ता करो उसके साथ। कहने का मतलब है कि इकट्ठे रहो दोनों। और मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही क्योंकि तुम उसकी बीवी हो और ये तुम्हारा फर्ज बनता है। मैं सब इसलिए कह रही हूँ इन छोटी छोटी बातों से ना मियाँ बीवी के बीच में मोहब्बत बढ़ती है, कदर बढ़ती है। अब देखो पूरी रात टीवी देखने के बाद ना वो सोफे पे सो गया, सुबह उठा तो उसके गर्दन में मोच थी। इस हालत में वो दफ्तर चला गया, उसने उसका हाल भी नहीं पूछा, एक फोन भी नहीं किया ये देखने के कैसा है। ये मुझे बहुत बुरा लगा बेटा। I'm so sorry पप्पू, मैं आइंदा से ख्याल करूंगी। बिना अलार्म लगाए सो गई, आंखें नहीं खुली। कभी कभार ऐसे हो जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन रोज रोज नहीं होना चाहिए। एक समझदार बीवी कौन होती है? एक समझदार बीवी वो होती है जो अपने शौहर की आदत बनती है। तुम उसकी आदत बनो, ऐसे रहो जैसे वो तुम्हारे बगैर रह ना सके। अगर तुम ये नहीं करोगी ना तो फिर वो तुम्हारी कदर नहीं करेगा और सोचेगा कि ये शादी भी बेमायने है। तो बहुत खतरनाक बात है ना बेटा, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। जी पप्पू, आइंदा ख्याल रखना।